हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आनी कसे काय आहे मंडळी। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, ये तीन महीने अगर आप देखोगे तो तीनों महीने में अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट जो टूरिंग वीडियोस है वही आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने मुंबई से हिमाचल प्रदेश की राइड की थी, तो वो राइड के लगभग आई गेस 10 to 15 वीडियोज़। और उसके बाद अभी जो मैं रन ऑफ कच्छ के लिए गया था, अभी तक गुजरात टूरिज्म, तो वो एक जो थी वो सीरीज़ थी लगभग 4 से 5 वीडियो की। तो अगर आप देखोगे तो मैंने पिछले 3 महीने में लगभग जो मेरी डोमिनार है वो 10,000 किलोमीटर चला ली। उसमें मैंने पेट्रोल जो है वो लगभग 30 to 35,000 का पेट्रोल मैंने डलवा लिया। और जो मेरे डेज इन्वेस्ट हुए हैं ये कम्प्लीट राइड करने में, वो आप बोल सकते हो कि 20 to 25 days। और यही सब के साथ मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए, उसको एडिट किए और उसको अपलोड किया आप सबके लिए। और मुझे जो व्यूज आ रहे हैं वो लगभग 800, 900, 500, 1000। तो ये हालत है फिलहाल अपने चैनल की। अगर आप मुझे पूछोगे कि अजिंक्य भाई क्या इससे फ़र्क पड़ता है, तो हाँ मैं बोल दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपन तो ये पैशन के लिए कर रहे हैं। बट सच बताओ, कहीं ना कहीं तो यार मन में बुरा लगता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार क्या हो क्या रहा है, मतलब क्या गलत कर रहा हूँ मैं अपने चैनल के साथ, क्यों मेरा ही चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, जो व्यूज़ है वो इतने ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, क्या गलत किया मैंने कि यार जिसके वजह से जो ये मेरा चैनल है जिसके ऊपर मैं पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, 500 के नज़दीक अभी फ़िलहाल हम लोग आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 10 या 15 वीडियोज़ में अपने चैनल के ऊपर 500+ वीडियोज़ हो जाएंगे। और इतना करने के बाद भी 500 व्यूज, यार कैसा है ना, कभी कभी सच में ऐसे लगता है कि यार ठीक है, ये मेरी पैशन है, वीडियोस बनाना मेरी पैशन है। जब भी मैं यूट्यूब के ऊपर आया था ना, तभी मेरा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं था कि यस मुझे 1 मिलियन करना है, मुझे इतना पॉपुलर होना है, हर एक लाइक यू नो टोल नाके के ऊपर मुझे मिलने के लिए 50-100 लोग रुकने चाहिए और फिर वहाँ से मैं जस्ट हाय करके मैं निकल जाऊँगा चौड़ में। तो ये मेरा कभी भी आइडिया नहीं था यूट्यूब के ऊपर आने का। यूट्यूब के ऊपर आने का मेरा एक ही आइडिया था कि यार जो बाइकिंग कम्युनिटी है उसको मैं और अच्छे से जान पाऊँगा, कंप्लीट इंडिया के जो राइडर्स है उनसे मैं यू नो कनेक्ट हो पाऊँगा थ्रू दिस कैमरा। और अगर आप पूछोगे यूट्यूब के व्यूज़ और लाइक्स के बारे में, तो मेरा हमेशा से एक यू नो सपना था कि यार कहीं ना कहीं 10,000 से लेके 20-25,000, मैक्सिमम 25,000 और मिनिमम 10,000, इतने व्यूज़ अपने चैनल के ऊपर आना चाहिए। ये मेरी कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कि यार इच्छा थी या अभी भी है कि मुझे मिलियंस में नहीं जाना है, मुझे थोड़े में रहना है, बट यार उतना तो आना चाहिए। 500 व्यूज़ बहुत बुरा लगता है यार कभी कभी। पता नहीं मेरे ये चैनल का आगे क्या होने वाला है जिसके ऊपर मैंने 4 से 5 साल मेहनत की है। बस इतना कहूँगा कि जब तक यहाँ से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये चैनल के ऊपर तू मेहनत कर, तब तक मैं ये चैनल के ऊपर मेहनत करता रहूँगा। पता नहीं 1 हफ्ता और या फिर 1 साल और या फिर 10 साल और, जब तक यहाँ से आवाज़ आ रही है ना कि भाई वीडियो बना और अपलोड कर, ट्रैवल कर और वीडियो बना और अपलोड कर, तब तक मैं करते रहूँगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने के प्रोसेस में ना सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगता है वो है ट्रैवल करना। तो ये थी कुछ यार यहाँ की बात जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। गाइस प्लीज़ यार, आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे वीडियोस को सच में देखते हैं और पसंद करते हैं, बट अभी आपके भाई को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये चैनल को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो चैनल है इसके ऊपर जो मेहनत है पिछले 4-5 साल की, यार इसको बंद मत होने दो। क्योंकि बहुत बार आजकल मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यार बस हो गया, और कितना, 500 व्यूज़। आई जस्ट होप कि यार आप समझ पाओ कि क्या फील कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। तो चलो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो मैं जो है अपनी बीलव्ड बजाज डोमिनार उसको सेल कर रहा हूँ। अभी क्यों सेल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल से मैंने जो गाड़ी है वो चला ली, 60,000 किलोमीटर जो है मैंने अपनी बाइक चला ली है। एंड जो भी है लाइक अभी ना वो डैश और वो जो वाइजर और वो जो हैंडल बार वो सब का ना अभी काइंड ऑफ मैं बोर हो गया हूँ। एक बहुत ही अच्छी कोट है जो मैंने इंजीनियरिंग के अपनी लाइफ में मैंने पढ़ी थी, वो आज भी मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है, दैट इज़ चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। और अभी मुझे फ़िलहाल चेंज चाहिए, क्योंकि वही सेम डैश वही सेम डोमिनार को चला चला के मैं बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि यार अभी पक गया हूँ, अभी कुछ तो अलग चाहिए, कुछ तो यू नो थोड़ा सा चेंज चाहिए लाइफ में, ट्रैवलिंग में। तो दैट्स वाई मैं बाइक चेंज कर रहा हूँ अपनी।
जो मेरी बजाज डोमिनार है डेट इज 2017 मॉडल, मई के महीने में मैंने ली थी, और उसके बाद जितने भी राइड्स किए हैं डोमिनार के ऊपर वो सबके सब अपने चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सबके सब जो सीरीज है वो दिखेगी। उसमें मैंने डोमिनार का मेंटेनेंस या जो भी उसके बारे में मेन मेन वीडियोस हैं उसका अलग से सेक्शन की प्लेलिस्ट भी मैंने करके रखी हुई है। और अगर मेरी बजाज डोमिनार का बोला जाए तो अभी भी फिलहाल जो मेरी बिल्डिंग के नीचे वो खड़ी है गुजरात राइड से आई हुई, हाँ उसमें अभी भी गुजरात का ही पेट्रोल है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैं उसको सिटी में नहीं चलाता हूँ। ये जो कंप्लीट 60,000 किलोमीटर मैंने किए ना अपने डोमिनार के ऊपर, उसमें से 55,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाईवे के ऊपर मैंने किए हुए हैं, जिस 5,000 किलोमीटर मैंने सिटी में किया रहेगा मेरे डोमिनार के ऊपर। तो ये है बात। तो आज तक डोमिनार के ऊपर जो भी सर्विसिंग या फिर जो भी मेंटेनेंस का काम हुआ है वो प्रॉपरली ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही मैंने किया है। आपको तो पता ही यार मेरी गाड़ी जो है वो 100% मेंटेन्ड रहती है। अभी भी फिलहाल वो इस कंडीशन में है कि उसका जो चेन स्पॉकेट है दैट इज 70% प्रॉपर है, जो टायर्स है वो भी 70% अच्छी कंडीशन में है, 30% मैंने यूज़ कर लिए है अभी उनको, और जो कंप्लीट गाड़ी का ओवरऑल जो सर्विसिंग है वो मैंने बिफोर द गुजरात राइड किया था। सो सर्विसिंग को आप बोल सकते हो कि 2000 किलोमीटर पहले मैंने सर्विसिंग भी किया हुआ है अपनी गाड़ी का। और बाइक के ऊपर अगर आप एक्सेसरीज देखो, एक्चुअली मैं OLX के ऊपर जब भी मैं गाड़ी को लिस्ट कर रहा था तो उसमें जो एक्सेसरीज की कंप्लीट यू नो मैं सीरीज डाल रहा था कि क्या 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 है, तो उसकी टोटल 55,000 प्लस की जिस गाड़ी के ऊपर एक्सेसरीज लगाई हुई है मैंने, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, बट सच है यार 55,000 की एक्सेसरीज कौन लगा था यार, वो भी डोमिनार के अंदर। तो ये है बात, लगभग 55,000 to 60,000 की जो एक्सेसरीज है वो बाइक के ऊपर है। 60,000 चली हुई है, 2017 का मॉडल है, जो इंजन है वो प्रॉपर कंडीशन में है, उसमें कोई भी काम करा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है या फिर इंजन से कुछ अलग आवाज़ आ रहा है ऐसा कोई भी नहीं है। सो अगर आप या फिर आपके जो भी यू नो सर्कल में कोई भी बजाज डोमिनार लेने का सोच रहा है इन ए सेकेंड हैंड, वो भी फुल्ली लोडेड फॉर टूरिंग, तो टूरिंग के लिए अपना गाड़ी प्रॉपरली बना हुआ है, उसका जो यू नो टैंक वैंक है उसके ऊपर मैंने मेटल की स्ट्रिप वगैरह लगा दी है सो दैट आप टैंक बैग भी उसके ऊपर लगा सको, तो इस तरह से मैंने अपने डोमिनार को प्रॉपरली रेडी किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में फिलहाल जो मेरी डोमिनार जिस तरह से दिखती है तो वो मॉडिफाइड डोमिनार का आपको यू नो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो OLX की मेरी ऐड है उसकी आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ अगर किसी को प्रॉपर टूरिंग डोमिनार चाहिए तो आप जाके मेरी ऐड को देख सकते हो, और अगर आपको ठीक लगे जो मैंने प्राइस रखी है वो ठीक लगे एज़ कम्पेयर टू द एक्सेसरीज एंड जिस तरह से मैंने गाड़ी को कंडीशन में रखा है, तो प्लीज़ आप मुझे यू नो OLX के ऊपर मैसेज कीजिए एंड देन हम लोग वहाँ से आगे लेके जाएंगे। तो ये थी एक कंप्लीट चीज़ अभी न्यू गाड़ी के बारे में। यार अभी के अभी कमेंट्स करना मत स्टार्ट कीजिए क्योंकि फ़िलहाल जो है वो मेरा बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, और आपको तो पता है आपके भाई को EMI करना ऑन व्हीकल्स या फिर कोई भी चीज़ जिसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएशन है उसके ऊपर EMI करना मुझे पसंद नहीं है, तो वो EMI की चीज़ तो यार नहीं होगी। सो कोई बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, आएगी तो छोटी सी आएगी, अभी बहुत सारे यूट्यूबर आजकल ले रहे हैं, बट ऐसा हो जाएगा कि बहुत कम पावर हो जाएगी जिस तरह से ट्रैवल मैं करता हूँ उसके लिए। तो लेट्स सी अभी क्या करते हैं, बट पहला जो है जो अपने पास है उसको जाने देते हैं सो दैट जो नया है वो आने में वो एक काइंड ऑफ स्टेप का काम करेगा कि हाँ नया लेना है, तो उसके जो भी पैसे आएंगे वो भर के नई के ऊपर थोड़ा बहुत अपने पास जो भी है वो डाल के अपन नया गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको यू नो बोरिंग लगा रहेगा जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा तो यार उसके लिए आई एम सो काइंड ऑफ सॉरी, बट मुझे अपनी जो फीलिंग्स है वो आप सबके साथ शेयर करनी थी क्योंकि मैं आप सबको काइंड ऑफ माई फैमिली ही मानता हूँ कि आप मेरी फैमिली हो। एटलीस्ट जो 500 लोग हैं वो जो मुझे देख रहे हैं, 500 व्यूज नो डाउट, बट अगर 500 लोग मैं सोचूं कि यार मुझे देख रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और यही चीज़ सोच के मैं मोटिवेट रहता हूँ और अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। बट कभी कभी है यार सच में ऐसा लगता है कि बॉस मेरा क्यों नहीं हो रहा है। यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे यार कचरा कचरा लोगों के यार एक एक मिलियन व्यूज़ चाहते हैं, एंड मतलब कुछ भी यार लड़की को पैसा दो कुछ भी ऐसा वैसा ऐसा कुछ तो उंगली करा लो एंड वायरल हो जाता है यार, और जो बंदा सच में मेहनत कर रहा है उनके साथ 500 व्यूज वाला गेम खेलता है यूट्यूब, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बैड, तो मुझे लगा कि यार बोल देना चाहिए। दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता है, राइड सेफ ड्राइव सेफ, बाय बाय गाइज।